चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। गंज बासौदा विदिशा जनपद का दूसरा सबसे बड़ा शहर, कलकल कर बहती बेतवा नदी के पूर्वी तट पर स्थित व्यापारिक मंडी एवं पत्थर व्यवसाय के लिए विख्यात, राज्य में नए जिले बनने की दौड़ में शामिल शहरों की सूची में शीर्ष पर काबिज। तो आइए गंज बासौदा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं शहर के सबसे व्यस्त चौराहे जय स्तंभ चौराहा से। जय स्तंभ चौराहा शहर का मुख्य चौराहा है। यहां से उत्तर में बरेठ मार्ग, दक्षिण में त्योंदा मार्ग, पूर्व में रेलवे स्टेशन मार्ग एवं पश्चिम में हनुमान चौक, सावरकर चौक, सदर बाजार आदि स्थित हैं। जय स्तंभ चौक के निकट ही गंज बासौदा डाकघर, शहर कोतवाली का परिसर, तहसील का कार्यालय, एसडीएम कार्यालय एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायालय आदि के परिसर स्थित हैं। जय स्तंभ चौक से पूर्व में रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क शहर में विशेष महत्व रखती है। यह मार्ग शहर के आधुनिक क्षेत्रों से होकर गुजरता है। गंज बासौदा शहर एवं इसमें समा चुके क्षेत्रों को जोड़कर गंज बासौदा शहर में वर्तमान में लगभग 1,02,000 की विशाल जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से विदिशा जनपद में विदिशा के पश्चात दूसरा एवं भोपाल संभाग में भोपाल, विदिशा, सीहोर एवं मंडीदीप के पश्चात पांचवां सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। रेलवे स्टेशन मार्ग पूर्व की ओर बढ़ते हुए अम्बेडकर चौक, नेहरू चौक एवं सुभाष चौक आदि से होते हुए रेलवे स्टेशन के परिसर पर पहुंचता है। गंज बासौदा रेलवे स्टेशन से होकर दिल्ली मुंबई रेलमार्ग गुजरता है। यहां निर्मित चार प्लेटफार्मों पर कुल 56 रेलगाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित किया गया है, जो गंज बासौदा को देश के अनेकों बड़े शहरों से सीधा जोड़ती हैं। जय स्तंभ चौक से उत्तर में प्रारंभ होने वाला बरेठ रोड शहर के महत्वपूर्ण मार्गों में एक है। यह मार्ग भी पूर्णतः व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। अनेकों बड़े बड़े वाणिज्यिक भवन एवं ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम इस मार्ग पर स्थापित हो चुके हैं। गंज बासौदा देश की स्वतंत्रता से पूर्व 1904 में बने विदिशा जनपद में एक तहसील के रूप में सम्मिलित हुआ। देश की स्वतंत्रता के पश्चात यह 1956 में बने मध्य प्रदेश राज्य का अंग बना। वर्तमान में यह विदिशा जनपद की 12 तहसीलों में एक है। यह विदिशा जनपद में विदिशा के बाद सबसे बड़ा व्यापारिक बाजार है। जिला मुख्यालय विदिशा से उत्तर में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा गंज बासौदा किसी जिला स्तरीय शहर जैसा ही विकसित शहर दिखाई पड़ता है। इसे जिला बनाने की मांग लंबे समय से जोर पकड़ रही है। बरेठ मार्ग उत्तर में बरेठ होकर नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर कोरवाई से जोड़ता है। जय स्तंभ चौक से दक्षिण में जाने वाला त्योंदा मार्ग भी शहर की मुख्य सड़कों में एक है। यह सड़क गंज बासौदा को त्योंदा होकर राहतगढ़, सागर आदि से जोड़ती है। इस मार्ग पर भी शहर बड़ा विस्तार ले चुका है। गंज बासौदा शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु शहर को दो थाना कोतवाली क्षेत्रों, कोतवाली गंज बासौदा शहर एवं थाना गंज बासौदा देहात में बांटा गया है। इसी मार्ग पर शहर का कृषि उपज मंडी का परिसर भी स्थित है। विदिशा अशोकनगर राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा गुरोड़ चौराहा से गंज बासौदा में प्रवेश करने वाला मार्ग शहर के पश्चिम में बहने वाली बेतवा नदी को पार कर शहर की ओर प्रवेश करता है। पूर्व में बढ़ते हुए सड़क शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कृषि महाविद्यालय एवं उप जेल परिसर से होते हुए शहर में राजेंद्र नगर क्षेत्र में प्रवेश करती है। शहर में प्रवेश करते ही राजेंद्र नगर चौराहा से साक्षात्कार होता है। राजेंद्र नगर चौराहा से दक्षिण में जाने वाली सड़क गुलाबगंज होकर विदिशा की ओर एवं उत्तर में जाने वाली सड़क अंबानगर चौराहा होकर सिरौंज से जुड़ती है। राजेंद्र नगर से पूर्व की ओर सड़क गांधी चौक की ओर प्रवेश कर जाती है। घनी आबादी क्षेत्र से होकर सड़क शहर के गांधी चौक पर पहुंचती है। गांधी चौक शहर के पश्चिमी क्षेत्र का केंद्र है। यहां से पूर्व की ओर सर्राफा बाजार प्रारंभ होता है। यहां सोने चांदी के आभूषणों के अनेकों प्रतिष्ठान दिखाई पड़ते हैं। सर्राफा बाजार से पूर्व में बढ़ते हुए सड़क सदर बाजार में प्रवेश कर जाती है। सदर बाजार बासौदा का पुराना व्यापारिक बाजार है। सदर बाजार पूर्व की ओर बढ़ते हुए सावरकर चौक पर पहुंचता है। सावरकर चौक शहर का व्यापारिक दृष्टिकोण से केंद्र बिंदु है। पूर्व में सड़क जय स्तंभ चौक की ओर बढ़ते हुए नया बाजार में प्रवेश कर जाती है।
नया बाजार में सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठान दिखाई पड़ते हैं। बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण एवं शहर के लोग यहां खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। गंज बासौदा विदिशा जनपद अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। यहाँ के स्थानीय निवासी विदिशा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। पूर्व में बढ़ते हुए नया बाजार शासकीय चिकित्सालय के परिसर से होकर गुजरता है। चिकित्सालय से पूर्व की ओर सड़क कुछ ही दूरी तय कर शहर कोतवाली के परिसर से होते हुए जय स्तंभ चौक पर जुड़ जाती है। गंज बासौदा आना, इसे कैमरे में संजोना एक कभी ना भूल पाने वाला अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। गंज बासौदा पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो गंज बासौदा शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आपका मित्र मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय बजरंगबली।